शार्क्स, क्या आपके कोई दोस्त या परिवार बैंगलोर में रहते हैं? फिर आपने सुना ही होगा कि वहाँ ग्राउंड वाटर लगभग खत्म हो चुका है। हमारे देश में 60 करोड़ लोगों को पानी की भारी कमी है। साथ साथ में हम सबके घरों और फैक्ट्रियों से जो गंदा पानी निकलता है वो यमुना जैसी नदियाँ को गंदा नाला बना रहा है। पर यही गंदा पानी हमारी प्रॉब्लम का हल भी बन सकता है। अगर हम इस पानी को ट्रीट और रिसाइकल करें तो हम 70% अपनी पानी की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। शार्क्स, मेरा नाम राजेश है और ये मेरी बेटी मानसी। मैं राजस्थान से हूँ और मैंने पानी की कमी को काफी करीबी से देखा है, इसीलिए IIT दिल्ली से केमिकल इंजीनियरिंग करने के बाद मैं इस क्षेत्र से जुड़ा और मैंने पिछले 25 सालों में करीब 400 से ज्यादा वाटर प्रोजेक्ट्स लगाए हैं। भारत में करीब 90,000 वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं, बट फिर भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही है क्योंकि 70% प्लांट ढंग से चल ही नहीं पा रहा। आखिर क्यों? पापा से बात करके मैंने समझा कि इन ट्रीटमेंट प्लांट्स की ऑपरेशंस बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है और ऑपरेटर्स के पास प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट और सॉल्व करने की एक्सपर्टीज नहीं होती। केवल इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना काफी नहीं है, हमें उनको ढंग से चलाना भी होगा, जो इस स्केल पे केवल टेक्नोलॉजी के थ्रू पॉसिबल है। इसलिए स्टैनफोर्ड से पढ़ाई पूरी करके मैंने डिसाइड किया कि मैं भारत वापस आकर इस प्रॉब्लम पे काम करूंगी ताकि हमारे अर्थ का अनर्थ ना हो जाए। और फिर मिलकर हमने बनाया डिजिटल पानी, अ डिजिटल वाटर प्लेटफॉर्म जो एक डॉक्टर की तरह ट्रीटमेंट प्लांट्स की हेल्थ को ट्रैक और सही एक्सपर्टीज के साथ मैनेज करता है। फॉर एग्जांपल, इक्विपमेंट को ऑटोमेशन से चलाना और टेक्नीशियंस को व्हाट्सएप पे ही केमिकल की डोजेज बताना। ये सब करने से हम कस्टमर्स के करोड़ों के फाइंस बचाते हैं और सबसे बड़ी बात, अब वो पानी रिसाइकल कर सकते हैं। शार्क्स, आज के दिन हम हर रोज डिजिटल पानी पावर प्लांट्स में 90 मिलियन लीटर वेस्ट वाटर ट्रीट कर रहे हैं और भारत की कई टॉप कंपनीज हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आने वाले समय में हर इंडस्ट्री और हर बिल्डिंग को कंप्लायंस और वाटर नीड्स मीट करने के लिए डिजिटल पानी की जरूरत होगी। तो शार्क्स, वी होप यू आर थर्स्टी फॉर अ डील। हमारी आस्क है 70 लाख इन एक्सचेंज फॉर 1%, क्योंकि आखिर शार्क्स को भी तो तैरने के लिए साफ पानी की जरूरत है। Nice pitch. राजेश मानसी, शार्क टैंक के इस इकोप्रेनर एपिसोड स्पेशल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका ब्रांड का नाम बहुत खूबसूरत है। आई थिंक फादर डॉटर की जोड़ी दोनों बहुत क्वालिफाइड हो। पुराना कभी कभी का डायलॉग था ना कि तुझको मुझको जीवन अमृत अब इन हाथों से पीना है, इनकी धड़कन में बसना है, इनके सांसों में जीना है। तो वी हैव शुक्रिया। आई एम वेरी हैप्पी कि आपने जो काम शुरू किया है वो अगली जेनरेशन जीवन अमृत का कर रही है। किस साल स्टार्ट हुआ डिजिटल पानी? End 2020. Can you simplify your product and tell us कि आप exactly क्या करती है? पहले मैं आपको थोड़ा प्रॉब्लम के बारे में बताती हूँ यूजिंग दिस बोर्ड। सो आप किसी भी इंडस्ट्री को कंसिडर कर लीजिए, फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री हो या कोई होटल हो, वहाँ का सारा जो वेस्ट वाटर आता है फ्लशिंग से, किचन से, मैन्युफैक्चरिंग से, वो सारा एक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है। Correct. हर बिल्डिंग, हर इंडस्ट्री में एक ट्रीटमेंट प्लांट होता है आजकल। अनफॉर्चुनेटली मोस्टली ये ट्रीटमेंट प्लांट्स चल नहीं पाते क्योंकि बहुत सी दिक्कतें होती हैं। कभी खराब ओडर निकलता है, कभी पंप्स बर्न हो जाते हैं और कभी मेम्ब्रेन्स चोक हो जाती हैं, इसलिए प्लांट्स परफॉर्म नहीं करते हैं, गंदा पानी बाहर निकालते हैं। अब हम बताते हैं कि डिजिटल पानी क्या करता है। यहाँ पे डिजिटल पानी एक IoT enabled सॉफ्टवेयर है जो एंड टू एंड ऑपरेशंस को मैनेज करता है। तो जब हम किसी भी न्यू प्लांट में जाते हैं, हम पूरा डिजाइन समझते हैं, सॉफ्टवेयर में इनपुट करते हैं, पूरी डिजाइन सिमुलेशन होके आती है कि ये एसेट किस चीज के लिए केपेबल है, कितना पानी ट्रीट कर पाएगा, क्या हो पाएगा। उसके बाद पूरी ये SOPs बन के आ जाती है कि इस तरह प्लांट को ऑपरेट होना है। क्लाइंट अपनी पूरी एसेट को विजुअलाइज कर सकता है, उनको अपनी एसेट की पूरी एनालिटिक्स दिखती है कि कितना पानी ट्रीट हो रहा है, क्या क्वालिटी अचीव हो रहा है, क्या इक्विपमेंट ठीक से चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं। डैशबोर्ड, पूरा डैशबोर्ड रहता है। इनफैक्ट वो रिमोटली बैठे बैठे कंट्रोल भी कर सकता है। अब मान लीजिए कोई दिक्कत है प्लांट में, तो AI उनको डेटा का इंटरप्रिटेशन देता है कि एक्चुअली एसेट में दिक्कत क्या हो रही है। एंड बेस्ट पार्ट इज दे डोंट हैव टू बी ऑन द सॉफ्टवेयर, व्हाट्सएप आ जाता है। हां, व्हाट्सएप आ जाता है बेस्ड ऑन एस्केलेशन अलर्ट, बेसिकली एन अलर्ट। Sure. ये SaaS प्लेटफॉर्म है फॉर वाटर मैनेजमेंट का। और कितने SaaS प्लेटफॉर्म्स हैं इंडिया में? वी आर द ओनली प्लेटफॉर्म जो ऐसे एंड टू एंड मैनेजमेंट कर रहा है। प्योर प्ले स्पेसिफिक आपके फीचर्स वाला नहीं होगा, लेकिन आसपास आपके लोग हैं काफी। Sure, definitely. I would think there are 3 types of competition for you. एक तो आपके जैसे प्योर प्ले प्लेयर्स हो गए, दूसरे जो कॉम्प्लीमेंट्री सॉफ्टवेयर कर रहे हैं जो इस एरिया में आना चाहेंगे, एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट
इज द प्लांट मैन्युफैक्चरर. दे विल फॉरवर्ड इंटीग्रेट क्योंकि उनको वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा अपने बिजनेसेस में. एंड सॉफ्टवेयर इज वेयर मोस्ट ऑफ द वैल्यू इज, तो वो जरूर करेंगे फॉरवर्ड इंटीग्रेशन. तो आई थिंक दैट्स योर थ्री कॉम्पिटिशन. पुणे में Thermax does a lot of these water treatment solutions, right? And they sell the actual plant. Along with, जब वो plant बेचते हैं, ये software देते हैं, I would much rather buy the plant and software from the same person. मैं ऐसे क्यों करूँगी कि मैं plant उनसे लूँगी और software आपसे लूँगी? I just want to mention. Sure. Yeah. So, ma'am, हमारा platform. Oh, by the way, a compliment to you. I love the fact that मैं कब से आप दोनों को देख रही हूँ और आप उसको इतने मतलब she's the one taking charge. Yeah. Answering all the questions, I love that. Amazing. Amazing chemistry. So, हमारा platform काफी technology agnostic है. We have deep knowledge of all the technologies available. एक company जो अपने ही plant बना रही है, design कर रही है, उनके पास एक limited variety है, limited options हैं. तो वो deep knowledge नहीं है. Thermax जैसे players can very much be our customers. हम बहुत सारे ऐसे बड़े water players में के साथ talks में हैं for a partnership. हम पूरा remote control, AI enabled management, operators की training modules. ऑपरेटर्स को पूरे SOPs ये सारी चीज दे रहे हैं जो और कहीं नहीं है. वो इजीली कर सकता है ना वो इनकॉर्पोरेट, बट वो उनको सालों लगेंगे बनाने के लिए. आपको कितने साल लगे हैं बनाने के लिए वो? सो फार इट हैज टेकन अस अराउंड 3 इयर्स. हम काफी इसमें इनोवेशन भी कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल हम कंप्यूटर विजन यूज कर रहे हैं टू डिटेक्ट बायोलॉजिकल प्रोसेस सेटलमेंट और इसमें हम पेटेंट भी फाइल कर रहे हैं. आपका ये सर्विस अभी कितने प्लांट्स में लाइव है? अभी हम 43 प्लांट्स के साथ काम कर रहे हैं. और एक प्लांट से टिपिकली कितना चार्ज करते हैं आप ऑन एन एवरेज मंथली? इसको हम वन टाइम चार्ज करते हैं और एज एन EMI. उसका एवरेज अभी 8.6 लाख चल रहा है. ओके. डिपेंडिंग ऑन सेगमेंट, क्योंकि हम बिल्डिंग्स में भी काम करते हैं, इंडस्ट्री में भी काम करते हैं, इट कैन गो एज हाई एज 50 लाख पर फैसिलिटी. उस पे मार्जिन क्या होगा? हमारी ओवरऑल ऑनबोर्डिंग फीस में 30% का मार्जिन है. दूसरी हमारी जो रेवेन्यू स्ट्रीम है वो हमारी सॉफ्टवेयर की फीस है. सो ऑन एवरेज वी चार्ज 28,500 राइट नाउ, बट उसका जो रेंज है इट गोज अप टू 1.25 लाख. इन दोनों रेवेन्यू स्ट्रीम में किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है? अभी हमारा ऑनबोर्डिंग ज्यादा बड़ा पार्ट है. सो करंटली हमारा सॉफ्टवेयर इज अराउंड 23%, बट ये हर साल बढ़ते जा रहा है. अभी आपका रेवेन्यू लास्ट 3 इयर्स का बता पाएंगे एक बार? इस साल का रेवेन्यू हमारा 2.2 करोड़ है. लास्ट ईयर का हमारा रेवेन्यू 2 करोड़ था, उसके पहले हमारा 30 लाख था एंड उससे पहले तो हमने बस स्टार्ट ही किया था. ग्रोथ क्यों नहीं है 2 से 2.2? लास्ट ईयर एक हमारा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था, वही केवल 70-80 लाख था बाय इटसेल्फ. उसको अगर हम हटा लें तो काफी सिग्निफिकेंट ग्रोथ है. सेकेंडली जो हमारा मेन रेवेन्यू स्ट्रीम है, जो हमारा मंथली रेवेन्यू है, वो मोर देन डबल हुआ है. लास्ट ईयर हम 4 लाख पे थे, आज के दिन हम 8.3 लाख पे खड़े हैं इन टर्म्स ऑफ MRR. अगले साल कितना करेंगे? 8 करोड़ का हमारा प्रोजेक्शन है, अराउंड 2.2 करोड़ ऑफ रिकरिंग सॉफ्टवेयर रेवेन्यू एंड द रेस्ट इन टर्म्स ऑफ ऑनबोर्डिंग रेवेन्यू. आप कह रहे हो कि 8.5 लाख रुपए यू विल गो स्ट्रेट टू 2.2 करोड़ इन SaaS रेवेन्यू? हाँ जी, अभी हमारा MRR 8.3 लाख का है, तो अराउंड 1 करोड़ रिकरिंग रेवेन्यू तो एग्जिस्टिंग कस्टमर से ही आ जाएगा. अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर में एटलीस्ट हम 50 प्लांट को ऑनबोर्ड करेंगे. तो आपकी क्या पाइपलाइन है इतनी? हाँ जी है, 2-3 अलग सेगमेंट है. एक है बिल्डिंग्स, जो अभी तक हमारा डोमिनेंट सेगमेंट रह चुका है. वी वॉन्टेड कि इसको हम परफेक्ट कर दे, प्रोडक्ट मार्केट फिट अचीव करें और इसको एक प्रॉफिट सेंटर में कन्वर्ट करें, जो अब हो रहा है. यहाँ पे अभी हमारे जो प्राइसेस हैं वो लोअर साइड पे है, क्योंकि बिल्डिंग सेक्टर ज्यादा कस्टमर्स थे. अब हमारा फोकस जो है इसको प्रॉफिट सेंटर बना के इंडस्ट्री पे फोकस डालने का. इंडस्ट्री में प्राइस पॉइंट्स काफी ज्यादा हाई है. एनुअल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू विल गो अप. एनुअल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू विल गो अप सिग्निफिकेंटली, क्योंकि इंडस्ट्री में 50,000 हमारा एवरेज है जो मंथली रेवेन्यू है. अभी आपने कहा 43 क्लाइंट्स हैं आपके. हाँ जी. इंडिया में टोटल कितने प्लांट्स हैं एक बार वो बताएंगे? 90,000 बताया था मैंने. 90,000, तो स्कोप काफी ज्यादा है. वो तो हो गया टोटल एड्रेसेबल मार्केट, लेकिन टोटल एड्रेसेबल मार्केट इज नॉट योर मार्केट, राइट? टैम से हम कैलकुलेट करते हैं SAM. तो यू हैव टू ओनली इंक्लूड दोज जहां पर आप 30,000 रुपए देने की कैपेबिलिटी होगी. तो वो 80,000 में से ऐसे कितने हैं जिनके पास वो क्षमता है? ओवरऑल टैम अराउंड 8200 करोड़ का है एंड हम SAM इसमें से एक्सपेक्ट करते हैं अराउंड 4000 करोड़ का. 4000, हाउ मेनी क्लाइंट्स? SAM होगा 40,000. हाँ जी, हम अप्रोक्सीमेटली हाफ एस्टिमेट कर रहे हैं. और उसमें से शायद आप 10% कैप्चर कर पाए. हाँ जी, हमने अराउंड 15% का सोचा है, बिकॉज़ हम फ्रंट रनर्स हैं मार्केट. तो सर्विसेबल ऑब्टेनेबल मार्केट इज अबाउट 600. हाँ जी. आपकी सेल्स साइकिल कितनी लंबी है? डोंट टॉक अबाउट रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, ओनली अबाउट योर ग्रोइंग मार्केट. जो आगे की जो आपकी मार्केट है कमर्शियल, वहाँ पे सेल्स साइकिल कितनी है? टिपिकली 3-4 मंथ्स. 3-4 मंथ्स में हो जाता है? हाँ जी, वो बहुत क्विक सेल्स साइकिल है. SaaS के लिए तो बहुत क्विक सेल्स साइकिल है. कुछ कुछ इंडस्ट्रीज में अप टू 6 मंथ्स भी जाता है. ऑफ
फंडिंग का थोड़ा सा बता दो और बताओ. श्योर श्योर. सो हमने लास्ट राउंड रेस किया था अराउंड 8 करोड़ एट 41 करोड़ वैल्यूएशन. 40 इज इट पोस्ट मनी? हां जी 41 करोड़ इज पोस्ट मनी. 3 वाज सो 8 करोड़ हमने रेस किए. 33 है. कब किया था ये 1 साल के आसपास हो गया है जब हमने क्लोज किए थे राउंड एंड देन पैसा आने तक. इसके पहले का राउंड? एक ही राउंड रहा है हमारा. और कैप टेबल कैसी है? मेरे पास 51.7% है, इनके पास 17.8% है, 10% हमारा ESOP पूल बना था एंड बाकी इन्वेस्टर्स का. आप दोनों कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी स्प्लिट करते हैं? आप दोनों सेल्स करते हैं? डेफिनेटली करना ही पड़ता है. अभी तक हिस्टोरिकली आप लोगों ने कितने लोगों को जाके अपना प्रोडक्ट पिच किया है ये 43 क्लाइंट्स कन्वर्ट करने के लिए? सो अराउंड 20% हमारा कन्वर्जन रेट है. लास्ट ईयर कितने क्लाइंट्स ऐड किए आपने? 16 क्लाइंट ऐड किए. और उसके पिछले साल आपने कितने क्लाइंट्स ऐड किए थे? 11 कस्टमर्स ऐड किए. तो उसके पिछले साल कितना क्लाइंट्स था आपके पास? उसके पहले हमने 10 क्लाइंट किए थे. तो 3 साल पहले तो रेवेन्यू आपका 30 लाख ही था. हाँ जी. तो आप कह रहे हैं कि पिछले साल आपका 11 क्लाइंट्स ने 2 करोड़ का रेवेन्यू दिया, उसके पहले 10 क्लाइंट्स ने 30 लाख का ही रेवेन्यू दिया. शुरू शुरू में जब हमने स्टार्ट किया था तो 3 से 4 लाख रुपए हम चार्ज कर रहे थे कैपेक्स, जो इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट है, और 10 से 15 हज़ार चार्ज कर रहे थे बिकॉज वी हैड टू प्रूव आवर प्रोडक्ट. आपका अगर देखेंगे 10 क्लाइंट्स, 11 क्लाइंट्स, 16 क्लाइंट्स, हर साल आप सिमिलर नंबर ऑफ क्लाइंट्स ऐड कर रहे हो. क्योंकि ये प्रोडक्ट काफी एक टेक्निकल प्रोडक्ट है, हमें टाइम लगा टू प्रूव द होल केस स्टडी. आर यू प्रॉफिटेबल? वी आर नॉट प्रॉफिटेबल. हमारा जो बिल्डिंग सेगमेंट है वो अब प्रॉफिट सेंटर बनने जा रहा है. अब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट में, सेल्स एंड मार्केटिंग में, स्पेशली फॉर इंडस्ट्रियल सेगमेंट. आप लोग डेफिनेटली बहुत इंटेलिजेंट लोग हो, काफी वेल एडुकेटेड भी. जो आप लोग प्रॉब्लम उठा रहे हो, अगर इस प्रॉब्लम में देखा जाए तो हो सकता है कुछ आप लोग वो फाइनर चीजें खोज के एक छोटा सा बिजनेस बना लो, जहां मैं अभी कन्विंस नहीं हो पाया आज कि ये स्पीड अप करेगा ग्रोथ बहुत ज्यादा. तो वो फंडामेंटल रीजन होगा मेरा आउट. पैसे वैसे हैं आपके पास बैंक में? हाँ जी है. कितने पैसे? अराउंड 5.3 CR बैंक में है, देन हमारे रिसीवेबल्स. कब तक चलेंगे ये? 25 मंथ्स. 70 लाख का क्या करोगे? 70 लाख हम प्राइमरली 2-3 चीजें में डालेंगे. जल्दी जल्दी बोलो. एक तो पार्टनरशिप्स में डालेंगे, जैसे आप बात कर रहे थे OEMs के साथ काम करने के लिए. तो आपके पास पैसे हैं तो अभी 70 लाख उसमें से निकाल लो. हमें फास्ट ग्रो करना है, लीड जनरेशन की पाइपलाइन ग्रो करनी है. आप सबका की रीच चाहिए, आप सबका सपोर्ट चाहिए, बहुत अपॉर्चुनिटी है. वी नीड guidance also on how to build a good business, how to have strong fundamentals to be able to reach that opportunity potential. मैंने आपको शुरू शुरू में एक बात कही थी. मैंने कहा था जो water plant वाले OEMs हैं वो forward integrate करेंगे क्योंकि उन्हें समझ में आ गया है कि value capture होगा software से. तो competition is going to be intense. आपका market size unfortunately I'm not at all in line with जो आपने दावा किया, क्योंकि जो capture होता है ना, जब value capture होता है ना कोई भी vendor industry में, तो every vendor tries to capture value. तो आपका फाइट होगा सारे वेंडर्स के साथ में जो वो प्लांट में घिसेंगे. एंड फाइनली ये वैल्यूएशन का टोटका तो मेरे दिमाग में बैठ ही नहीं रहा है. 70 करोड़ मेक्स एब्सोल्युटली नो सेंस फॉर दिस काइंड ऑफ कंपनी एट दिस स्टेज. सो रिस्पेक्टफुली आई एम आउट. थैंक यू. आपको ऑलरेडी एक प्रायर वैल्यूएशन मिल चुका है 41 करोड़, राइट? सो आई कांट डू अ डाउन वैल्यूएशन एट अ 2.2 करोड़ सेल्स. वो 40 क्रॉस का मैथ किसी भी एंगल से फिट नहीं हो रहा है. दैट इज माय बिगेस्ट चैलेंज विद इन्वेस्टिंग इन द बिजनेस एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट. गुड जॉब, कीप डूइंग दिस. पर्पस अच्छा है और क्लीन पानी की जरूरत है. गुड़गांव, बैंगलोर सब जगह ये प्रॉब्लम आने वाली है. आप लोग अच्छा कर रहे हो. वैल्यूएशन बिग कंसर्न, डाउन राउंड हम करोगे नहीं. अनफॉर्चुनेटली मैं आउट हूँ क्योंकि आपको ना पैसे चाहिए ना आपको इन्वेस्टर चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी है. थैंक यू सो मच. एग्जीक्यूशन इज नॉट एडिंग अप. 2 करोड़ की सेल्स, 2.5 करोड़ की सेल्स, आप 8 करोड़ की पाइपलाइन कह रहे हैं. अगर आपको 6 करोड़ का अपफ्रंट लेना है, दैट्स अबाउट 40-50 क्लाइंट्स. मेरे हिसाब से सैस में वो बहुत बड़ा नंबर है जिसका एग्जीक्यूशन मुझे लगता है बहुत डिफिकल्ट है. मे बी यू नीड टू रिविजिट योर सेल्स प्रोसेस, बट आई थिंक वेरी गुड एफर्ट दैट बोथ ऑफ यू आर डूइंग. आई एम आउट फॉर नाउ. थैंक यू. अनफॉर्चुनेटली ऑल ऑफ अस आर आउट. थैंक यू. थैंक यू. All right, guys. Thank you, bye. Thank you. Bye. Bye. Bye.